शहर के साकेत नगर हाउसिंग बोर्ड में श्री हॉस्पिटल से लेकर चिराग डेंटल अस्पताल तक की बहुप्रतीक्षित सीसी सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत नगर परिषद प्रशासन की ओर से शहर के वार्ड संख्या 43 से 45 में बनने वाली उक्त सड़क के निर्माण कार्य के शुभारम्भ के लिए शनिवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगर परिषद सभापति गोविंद पंडित, विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी पारस पंच, वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिनेश शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा तथा सेवादल जिलाध्यक्ष तथा पार्षद विक्रम सोनी ने अतिथियों के रूप में शिरकत की। इस दौरान उपस्थित अतिथियों ने पंडित हरिओम शर्मा द्वारा करवाई गई पूजा अर्चना के बाद सड़क निर्माण कार्य का शुभारम्भ किया। इस दौरान पीसीसी सदस्य पारस पंच ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ब्यावर शहरी विकास योजना के तहत सीएम कोष से साकेत नगर की मुख्य सड़क स्वीकृत की है। इसी प्रकार नगर परिषद सभापति गोविंद पंडित ने साकेत नगर स्थित सामुदायिक भवन की मरम्मत एवं नवीनीकरण हेतु 4.5 लाख रुपए की घोषणा की। साथ ही वार्ड में फैसिलिटी एवं वार्ड की फैसिलिटी डेवलपमेंट की घोषणा की। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि साकेत नगर की मुख्य सड़क बनना अति आवश्यक थी, जिससे आमजन को राहत मिली है। सेवादल जिला अध्यक्ष एवं पार्षद विक्रम सोनी ने कहा कि साकेत नगर हाउसिंग बोर्ड के बसने के बाद आज 35 वर्षों बाद यह आम सड़क बनने जा रही है, जो हम वार्ड वासियों के लिए सौभाग्य की बात है, जिसके लिए मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम के दौरान पार्षद सोनी ने सभी अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में राजस्थान स्काउट गाइड के सहायक स्टेट कमिश्नर विमल चौहान, पूर्व पार्षद श्याम शर्मा, डॉक्टर प्रमोद सक्सेना, पंचायत समिति सदस्य आनंद सिंह सुरडिया, सुनील सकलेचा, अमरचंद बाबेल, महावे इंटरनेशनल के सुशील छाजेट, वीरा मंजू जैन पंच, मोनिका सकलेचा, डॉक्टर विद्या सक्सेना, कांग्रेस नेत्री पुष्पांजलि पारेख, सुषमा जैन, जानवी भारवानी, पार्षद रामनिवास जैन, दलपत मेवाड़ा, अजय मुद्रा, भरत बंदीवाल, भुवनेश शर्मा, राजेश शर्मा, भरत बाघमार, विकास तकदीर, राकेश साहू, सेवादल के पूर्व मुख्य संगठन बालूराम सेन, मुकेश जोशी, अशोक मुंद्रा, गोपाल साकला, तुषार महर्षि, अरविंद भटनागर, लोकेश कुमार तथा अखिलेश सोलंकी आदि वार्डवासी मौजूद रहे।